Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों पर जिस तरीके से लगातार शिकंजा कस रहा है, तो बाहुबलियों के परिवार भी इस चीज से छुटकारा नहीं पा रहा है। जी हां, बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों में बड़ा नाम शुमार मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, जो कि सांसद बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर संसदीय सीट से, और उनको भी एक गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा हो चुकी है, जिसकी वजह से वो जेल में बंद हैं। तो वहीं उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई है, लेकिन इसके बावजूद तमाम ऐसी खबरें अफजल अंसारी को लेकर आती है जो चर्चा का विषय बनी आती है। इस कड़ी में अफजल अंसारी को लेकर एक और बड़ी खबर आई है जो वाकई चौंकाने वाली है। दरअसल बात करें तो पूर्व सांसद अफजल अंसारी के बगीचे के आम 1,10,000 रुपए में नीलाम कर दी गई है। गाजीपुर के धनेथा गाँव में 10 बीघे बेनामी भूमि पर लगे इस बाग को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। बता दें कि इससे पहले भी 2 बार नीलामी की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन खरीदार नहीं मिलने से पूरी नहीं हो सकी थी। तहसील सभागार मोहम्मदाबाद में शनिवार को नायब तहसीलदार विश्राम यादव की देखरेख में अफजल अंसारी के बगीचे की नीलामी हुई। बाग में मौजूद 70 में से 47 पेड़ों पर इस बार आम लगे हैं। अनुमान के अनुसार पेड़ पर करीब 50 क्विंटल आम लगे हैं। नीलामी में 4 व्यापारियों ने भाग लिया। आम की बोली 1 लाख से शुरू हुई और 1,10,000 रुपए पर खत्म हुई। अंतिम बोली माचा के रहने वाले हरिओम राय ने लगाई। इसके बाद तहसीलदार विश्राम यादव ने फाइनल करते हुए नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने की घोषणा कर दी। इस मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल गीता त्रिपाठी, प्रवीण कुमार, संतोष कुमार शाहिद सहित कोतवाली पुलिस वहां पर मौजूद रही है। 2 बार भी हुई थी नीलामी की कोशिश। नीलामी की प्रक्रिया 2 बार पहले भी शुरू हुई थी। 31 मई और 7 जून को तहसील प्रशासन ने नीलाम की घोषणा की थी। पहली बार तहसील प्रशासन ने 179 क्विंटल आम की पैदावार की नीलामी करने का लक्ष्य रखा था, जिसकी कीमत तकरीबन 3,58,000 रुपए निर्धारित किया था। नीलामी में शामिल ग्रामीण और व्यापारी महंगे रेट का हवाला देकर दोनों पर नीलामी प्रक्रिया से बाहर निकल गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफजल अंसारी जो खुद जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके आम के बगीचे चर्चा का विषय बन जा रहे हैं। बाकी इस पर आपके कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।